हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 26th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग VSEPR थ्योरी के अंदर SN इक्वल्स टू 6 एंड SN इक्वल्स टू 7 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने SN इक्वल्स टू 2, SN इक्वल्स टू 3, SN इक्वल्स टू 4 एंड 5 तक डिटेल में डिस्कस किया था और उसमें हमने जब SN 5 डिस्कस किया था तो वहां पे हम लोगों ने बेंड्स रूल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं टीबीबी ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स, तो टीबीबी ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था दो टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए, एक होता है एक्सियल बॉन्ड और एक होता है इक्विटोरियल बॉन्ड्स। अगर टीबीबी की बात करें तो एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े से लॉन्गर होते हैं एंड देयरफॉर दे आर वीकर, एंड इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग। अगर हम देखें बेंड्स रूल के हिसाब से तो जब लोन पेयर या डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। और ये जो टीबीबी ज्योमेट्री है वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे SN इक्वल्स टू 6 एंड SN इक्वल्स टू 6 इज नथिंग बट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर बायपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो। तो ये देखिए, ये स्क्वायर बायपिरामिडल है, ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, ऑक्टाहेड्रल। ना सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें केस वन की, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों 6 एंड लोन पेयर हो जाएगा इक्वल टू 0। सो बॉन्ड पेयर हो गया 6 एंड लोन पेयर हो गया 0, इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 6 ही हो गया। अभी लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगा वही इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ए बी 6 हो जाएगा और एल का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी, ये हो गया। फिर यहाँ पे जुड़ेगा नेक्स्ट वाला बी और यहाँ पे भी बी। बट स्टूडेंट्स, मैंने आपको वो दिन भी डिटेल में समझाया था जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था कि ये जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो रेगुलर होती है। आप इसको यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, कहीं से भी देखो, इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो हो जाएगा आपका, ज्योमेट्री हो जाएगा एसबीबी या फिर ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, और इसका जो शेप होगा और वो भी शेप भी क्या होगा बच्चों, एसबीपी ही होगा, दैट इज स्क्वायर बायपिरामिडल। और इसका दूसरा नाम क्या था, ऑक्टाहेड्रल, इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, राइट। अगर सब एटम सेम है तो रेगुलर ज्योमेट्री है ये, तो ये तो कौन सी ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल्स के बारे में, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे दो टाइप के देखने को मिलेंगे। बॉन्ड एंगल्स में आपको 90 डिग्री वाले भी देखने मिलेंगे और 180 डिग्री वाले भी देखने को मिलेंगे। 90 डिग्री वाले कितने थे, मैंने गिन के बताए थे, ऊपर से 4, नीचे से 4 और प्लेन में भी 4, तो टोटल कितने थे, 12 थे, वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और 180 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे, 3, 1, 2 और ऐसे 3, सो 180 डिग्री वाले हो जाएंगे 3। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी दैट इज SN वैल्यू कितना, 6 हो गया, ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट केस था बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 6 एंड लोन पेयर इक्वल्स टू 0। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट केसेस शुरू होते हैं। अगर समझो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों 5 और लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों कितना, 1, ठीक है, तो एक लोन पेयर आ गया। अभी मैं वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं अगर मॉडल से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको मैं एकदम क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोन पेयर, ये वाले पोजिशन और ये पोजिशन सब एक जैसे ही है। यहाँ पे एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स का लेंथ सेम है बिकॉज इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। आप इस मॉलिक्यूल को कैसे भी देखोगे, आप ऐसे देखो कैसे भी देखोगे तो ये सेम ही दिखने वाला है बिकॉज इट इज रेगुलर ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स डू रिमेम्बर, आप इसमें लोन पेयर यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ पे डालो, इसमें कोई भी बेंड्स रूल आने वाला नहीं है। बट अगर समझाने के लिए मैं बताऊ तो मैं यहाँ पे डाल दू, ठीक है ना, तभी भी सेम ही होगा। यहाँ पे डालूंगा तभी भी लोन पेयर, कहीं पे भी डालोगे शेप बेटा क्या होगा, सेम होगा। अभी यहाँ पे अगर समझो लोन पे डाल देते हैं यहाँ पे नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर इस तरीके से और ऊपर बन जाएगा पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ऑफलाइन में, अगर आपको मॉडल से नहीं सिखाया जाता है तो वो लोग ऐसे बोलेंगे सर ये वाला रखेंगे, अगर यहाँ पे लोन पे डाल दिया तो, यहाँ पे लोन पे डालोगे तभी भी स्क्वायर पिरामिड ही बनेगा, कैसे, ये देखो ऐसे देखोगे तो ये तो स्क्वायर पिरामिड ही बन रहा है ना, देखो ये स्क्वायर और ऊपर पिरामिड। आप कोई भी लोन पे डाल दो, कहीं पे भी लोन पे डाल दो, समझो यहाँ पे लोन पे डाल दिया तभी भी वो स्क्वायर बाय पिरामिडल ही बन रहा है, ये देखो स्क्वायर और ये पिरामिड ऊपर बन गया। तो इसमें कोई पोजीशन ऐसा है ही नहीं, ऐसा सच अगर देखने जाए तो डिफरेंट पोजीशन नहीं है। हाँ, आप बोलने के लिए एक्सियल और इक्विटोरियल बोल सकते हो, लेकिन दोनों का यहाँ पे लेंथ वाइज क्या होंगे, सेम। इसके लिए तो बेटा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री।
तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ए बी फाइव, एल का वैल्यू वन हो जाएगा। तो लोन पेयर बेटा हम ऐसी जगह पे रखेंगे ताकि बोर्ड पे दिखने के टाइम में क्लियर दिखे, ठीक है ना। अभी मैं लोन पेयर डालने के लिए तो यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, सबका शेप देखने जाएंगे तो 3D में सेम ही आएगा, बट समझाने के लिए मैं लोन पेयर यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पे एक लोन पेयर आने की वजह से ये सबको रिपेल करेगा, इन चारों को रिपेल करेगा। कैसे सर, यहाँ पे अगर लोन पेयर आ गया ये वाला, तो ये इसको 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 और इसको चारों को रिपेल करेगा, तो ये वाले रिपेल होने के बाद थोड़े ऐसे हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो नीचे चले जाएंगे तो कोई भी एंगल 90 डिग्री होने वाला है क्या? नहीं, 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों 90 से कम हो जाएगा? बिकॉज जब ये रिपेल करेगा इसको तो ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ये दोनों के बीच में एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बताओ इसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री तो सब लोग क्या बोलेंगे वापस से, सेम एस बी पी दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और शेप की अगर बात करें तो शेप जो होगा बच्चों वो क्या होगा, स्क्वायर और एक ही पिरामिड, क्योंकि शेप में बेटा लोन पेयर को गिनना नहीं है, तो स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो बॉन्ड एंगल्स के हिसाब से कोई भी एंगल 90 डिग्री होगा क्या? बॉन्ड एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 एंड नॉट इक्वल टू 180, 180 भी होने वाला नहीं है, 180 से भी कम होगा, 90 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी, बॉन्ड एंगल जो होगा इट विल बी लेस देन 90 एंड लेस देन डैश 180, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 180। सो 180 से भी कम होगा और 90 से भी क्या होंगे, एंगल्स कम हो जाएंगे। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड केस के बाद थर्ड केस, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों चार एंड लोन पेयर अगर मैं ले लूँ बेटा, लोन पेयर कितने हो जाएंगे अभी दो, टोटल मुझे कितना करना है, सिक्स करना है। तो बॉन्ड पेयर हो गए चार और लोन पेयर हो जाएंगे दो। अभी मुझे था लोन पेयर को मैं कैसे अरेंज करूँ, सब तो स्ट्रक्चर सेम ही था। अगर एक लोन पेयर आ गया तो नेक्स्ट लोन पेयर इसके ऑपोजिट साइड में आएगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ट्रेमेंडस होता है, तो इस वजह से नेक्स्ट नोन पेयर किधर आएगा, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले मुझे था इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ए बी फोर हो जाएगा और एल कितना है बेटा, टू है। तो एग्जैक्टली अगर ये लोन पेयर लिया है तो इसके ऑपोजिट वाला ही लोन पेयर अरेंज होगा। तो कैन वी से दैट यहाँ पे ए हो जाएगा ये इस तरीके से, ये बी, ये सब जगह पे बी आ गया। इसके बाद एक लोन पेयर इस तरीके से ऊपर हो जाएगा, एक लोन पे इस तरीके से नीचे। आप बोलोगे सर यहाँ पे लोन पे तो यहाँ पे क्यों नहीं, नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, उनके बीच में 90 का एंगल है तो बहुत ट्रेमेंडस रिपल्शन होगा। तो लोन पे दोनों एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेगुलर ज्योमेट्री वाला कंपाउंड था, देखो ना। तो इस वजह से अगर एक लोन पे किधर है तो एक इधर आ जाएगा, या फिर ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, 180 पे लोन पे चलेगा। इससे हमारा फायदा ये हुआ कि ज्योमेट्री तो डेफिनेटली बेटा हाइब्रिडाइजेशन से एसबीपी बोलोगे या ऑक्टेंटली बोलोगे, बट शेप जो है, शेप बड़ा बहुत अच्छा हो गया। अभी कैसे, ये हो गया स्क्वायर प्लेनार, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनार, या फिर इसको बहुत बार हम लोग सिर्फ प्लेनार ही बोलेंगे क्योंकि है तो प्लेनार ही। अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जितना रिपल्शन इधर से फील हो रहा है इनको, उतना रिपल्शन नीचे से भी फील हो रहा है, तो एग्जैक्टली जो है वो एग्जैक्टली एकदम मस्त प्लेन में हो जाएंगे, ऐसा इस तरीके से, इस तरीके से एकदम प्लेन में, परफेक्ट प्लेन में, क्योंकि जितना ऊपर से रिपल्शन आ रहा है उतना रिपल्शन किधर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, तो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएंगे और ये परफेक्ट क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनार बन जाएगा, परफेक्ट क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनार। और इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल्स के बारे में, तो बॉन्ड एंगल जो होंगे बच्चों वो 90 वाले भी होंगे और 180 वाले भी होंगे। तो 90 वाले कितने हो जाएंगे, एक ये 90 वाला इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, तो टोटल 90 वाले कितने, चार हो जाएंगे कि हो जाएगा, और 180 वाले कितने हो जाएंगे, दो। तो 90 वाले एक दो तीन चार और 180 वाला एक और ये दो, ठीक है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर प्लेनार और परफेक्ट वैल्यू भी इक्वल होंगे 90 को और 180 को। सो स्टूडेंट्स दिस इज नोन एज स्क्वायर प्लेनार या फिर प्लेनार भी बोल सकते हैं। नाउ अगर आप बोलोगे सर नेक्स्ट केस में बॉन्ड पेयर ले ले हम लोग तीन और लोन पेयर ले ले बेटा तीन, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर मतलब 3 2 6, 6 + 3 9 हो गया बेटा, 9 नहीं करना है आपको, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे लाना नहीं है। इज इट क्लियर?
तो वरना वो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स SN इक्वल्स टू 6 में टोटल कितने केसेस है, टोटल 3 केसेस है। फर्स्ट केस में बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 6, फिर बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 5 एंड बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 4। ये 3 केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल, SN इक्वल्स टू 7, दैट इज sp3 d3। नाउ sp3 d3 मतलब क्या, PBP, that is pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal, इसका total जो होगा बच्चों कितना होगा, 7 होगा। तो इसमें first case bond pair ले लेते हैं 7 and lone pair ले लेते हैं कितना 0, so bond pair हो गया 7 and lone pair हो गया 0। तो इसका अगर हम लोग shape देखने जाए, geometry देखने जाए, दोनों क्या आएगा same। example के तौर पे इसका जो general formula होगा वो हो जाएगा AB 7 हो जाएगा। आप मुझे अगर इसका structure wise देखने जाए तो क्या होगा, ये pentagonal bipyramidal, यहाँ पे सेंटर में ए, यहाँ पे बी, इस तरीके से बी हो जाएगा, इस तरीके से। इसमें आपको सबको पता है कि जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, इसमें आपका TBB का उल्टा होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ज्योमेट्री के बारे में, तो ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री इज PBB पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप की बात करें तो शेप भी क्या होगा बच्चों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल के बारे में, तो बॉन्ड एंगल इसमें बेटा 72 वाले भी हैं, 90 डिग्री वाले भी हैं, 180 डिग्री वाले भी हैं, और एग्जैक्टली उनके नंबर्स को मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाए थे। बोलो यहाँ पे 72 वाले कितने हैं, 5 होंगे, ठीक है ना, ये 72 का एंगल है। 90 वाले देखें तो ऊपर से 5, नीचे से भी 5, तो 10 हो गए। 180 वाला कितना है, सिर्फ एक ही है, एंड इट इज अ रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स का लेंथ सेम नहीं है, इरेगुलर ज्योमेट्री, क्लियर है। सो दिस इज योर फर्स्ट केस, दैट इज ए बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 7 एंड लोन पेयर इक्वल्स टू 0। सेकंड केस की अगर हम बात करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 6 एंड लोन पेयर इक्वल्स टू 1, लोन पेयर इक्वल्स टू 1। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बहुत बार JEE एडवांस में भी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, JEE एडवांस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको मैं बेटा सीधा का सीधा एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और जो एग्जाम्पल JEE में पूछा जाता है वही एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB6L1, और इसका अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका एग्जाम्पल एक बहुत ही ज्यादा फेमस है जो JEE एडवांस में पूछा गया है, ठीक है, JEE एडवांस में पूछा गया है XEF6 जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। तो देखिए कैसे, आपको बता दो, जेनॉन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 6, क्यों, क्योंकि 6 फ्लोरीन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर इक्वल्स टू 1, इसका टोटल आ रहा है, देखो यही आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अभी इसमें लोन पेयर को प्लेस कहाँ करें, तो बच्चों मैं आपको वापस बोल दो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, JEE में बेटा एडवांस में इसको पूछा गया है। इसमें याद रखना, जो लोन पेयर होता है वो यहाँ पे मत प्लेस करना, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया था, रिमेम्बर दिस एग्जांपल, आई रिक्वेस्ट एवरीवन इस एग्जांपल को याद भी रखे, इसमें जो लोन पेयर है वो बेटा यहाँ पे मत प्लेस करना, ठीक है, ताकि नहीं तो ये पांचों को बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होगा और वो जब बेंड होंगे तो बेटा उनके बीच में एंगल और कम हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग उनको यहाँ पे प्लेस करने की बजाय यहाँ पे 72 पे प्लेस करते हैं, मतलब ये वाला पोजिशन, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, इक्विटोरियल, क्यों, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस ज्यादा है क्यों, क्योंकि इक्विटोरियल डिस्टेंस थोड़ा सा पीवीबी में ज्यादा होता है और इक्विटोरियल के अलावा एक्सियल पे डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसको याद रखोगे तो और अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जेनॉन 4 फ्लोरीन इस तरीके से, ये बहुत बार पूछा गया हुआ एग्जाम्पल में, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट वाला जो लोन पेयर था बच्चों, लोन पेयर, वो लोन पेयर यहाँ पे आता है, बट एंगल बहुत कम होने की वजह से ट्रेमेंडस क्या होगा, रिपल्शन, तो इस वजह से वो प्लेन के ऐसे बाहर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए यहाँ पे ऐसा था ये, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो बच्चों,
ये एक लोन पेयर है, तो अगर मैं यहाँ पे ये देखो स्क्वायर बाइपिरामिडल है, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा लोन पेयर डाल दूँ तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया, 1 2 3 4 5 और ऊपर पिरामिड, बट इन दोनों में ये अगर लोन पेयर हो गया समझो, तो इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये प्लेन के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ऐसा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ऐसा प्लेन से थोड़ा क्या हो जाएगा ऊपर, तो प्लेन से कैसा हो जाएगा ऊपर, तो ये वाला दिखेगा कैसे, ऐसा ना तो ये प्लेन में है ना ये प्लेन में है, ये देखो इन दोनों के बीच में है, तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से लोन पेयर आ जाएगा, ये क्या है लोन पेयर है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये लोन पेयर की वजह से, क्या ये लोन पेयर की वजह से इसका कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर बन पाएगा, नहीं, तो ये प्लेन में है क्या, नहीं, प्लेन के क्या आया है, बाहर आया है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई ज्योमेट्री पूछ ले तो ज्योमेट्री में तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीबीपी, लेकिन अगर कोई शेप पूछ ले बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको हम लोग शेप में लोन पेयर को नहीं गिनेंगे, तो 1 2 3 4 ऊपर और एक, तो टोटल ये तो इतना इसकी जैसे ही दिख रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, बट इस लोन के पे लोन पेयर की वजह से क्या परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और हाँ दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों सेम नहीं है, दिस इज द, यही क्वेश्चन जीके एडवांस में पूछा गया था, अगर ये लेंथ को बेटा मैं L1 मान लूं और इसको मैं L2 मान लूं, तो क्या L1 और L2 सेम है, नहीं, क्यों नहीं सेम है, क्योंकि जब ये लोन पेयर इधर आएगा तो यहाँ पे लोन पेयर और इसके बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वाला बॉन्ड। तो वापस से बताओ, वापस से बोलो, वापस बोलो सर, ये वाला जो बॉन्ड लोन पेयर है, जब ऐसा शेप से बाहर आएगा, मॉलिक्यूल से ऐसे बाहर आएगा, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन, रिपल्शन, तो रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाएगा, बड़ा होने के लिए क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाएगा तभी तो रिपल्शन कम होगा ना, तो ये थोड़ा सा बॉन्ड बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। तो पहले ये दोनों बॉन्ड्स क्या थे, इक्वल थे, बट अभी ये दोनों बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, एंड L1 जो है इट इज ग्रेटर देन L2, L1 जो है वो ग्रेटर देन L2 है, और ये वाला जो एंगल है वो 180 नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो एंगल कोई 180 होने वाला नहीं है, ना ही ये 180, ना यहाँ पे कहीं पे भी आपको 180 मिलने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स 90 भी नहीं मिलेगा, 90 भी नहीं है, एंगल इज नॉट इक्वल टू 90, एंगल इज नॉट इक्वल टू 180, एंगल 180 भी मिलने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या है, एंगल इज नॉट इक्वल टू 72 ऑल्सो, कोई भी एंगल 72 नहीं है, सो इज इट अ रेगुलर ज्योमेट्री और इररेगुलर ज्योमेट्री, इररेगुलर ज्योमेट्री, इररेगुलर, ठीक है, सो ये ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी इररेगुलर। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको बोलूंगा इसके नोट्स अच्छे से बनाना, और एज इट इज लिखना ना, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस द लास्ट पॉइंट, बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 5 एंड लोन पेयर इक्वल्स टू 2। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग सोचते होंगे कि सर आपने तो बोला था 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, तो कैसे 9 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 है। तो स्टूडेंट्स इवन आई अंडरस्टैंड द सेम, बट इसमें सिर्फ एक एग्जांपल है, सी डेफिनेटली ये वाला केस एक्चुअल में देखने जाए तो हाइपोथेटिकल है, बट इसमें एक ही कंपाउंड है और एक ही एग्जांपल्स आपको याद रखना है, बिकॉज इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, सिर्फ एग्जाम्पल एक ही है इसमें, और वो है XeF5-, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर हम बात करें ज़ेनॉन पेंटाफ्लोराइड की, अनायन की, तो ज़ेनॉन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। स्टूडेंट सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, 5, सो 1 2 3 4 5, और दो लोन पेयर बच जाएंगे, ये एक और ये के, सो लोन पेयर कितने बच गए, 2, क्लियर है। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ज़ेनॉन है सेंटर में, वापस से बोलूंगा ये जो लास्ट के दो एग्जाम्पल्स है आप उनको याद ही रखिए, बिकॉज ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे जो लोन पेयर्स है बच्चों
वो एग्जैक्टली एक ऊपर है इस तरीके से, और दूसरा वाला जो है वो इस तरीके से नीचे है, ठीक है। ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे कोई पूछ ले इसका ज्योमेट्री, तो जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बट जो शेप होगा वो हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनार, पेंटागोनल प्लेनार, और वी कैन कॉल सिंपली इट एज डैश प्लेनार स्ट्रक्चर, इसको प्लेनार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सिंपली प्लेनार है। अभी अगर हम बात करें तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा वो 72 डिग्री वाले होंगे। 72 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे, 5, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली जितना ऊपर से रिपल्शन मिल रहा है उतना ही नीचे से भी रिपल्शन मिल रहा है, तो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 180 डिग्री वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो 72 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे, 5 एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ड प्लेनार जो है आगे हम लोग को बहुत काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने SN2 से लगा के SN7 तक बहुत सारे केसेस डिस्कस किया, ये हमारा VSEPR थ्योरी का कंसेप्ट था। अभी इसमें जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स दूंगा, अलग अलग कंपाउंड दूंगा, उसमें आपको उनके शेप्स डिसाइड करने हैं। तो क्वेश्चन में क्या आएगा एग्जाम में, प्रिडिक्ट द, क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ फॉलोइंग, प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना। फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स के आपको शेप्स को क्या करना है, डिसाइड करना है। जैसे सबसे पहला अगर हमको दिया है NH3 दे दिया जाए, दूसरा अगर हमको दे दिया जाए H2O दे दिया जाए, तीसरा हमको दिया है समझो CLF3 दे दिया जाए, इस तरीके से हमको बहुत सारे कंपाउंड दिए, SF4 दिया जाए, SF6 दिया जाए, समझो पहले हम लोग इतना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, नाइट्रोजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने बच्चों, बॉन्ड पेयर जाएंगे 3, और लोन पेयर हो जाएगा बच्चों 1, तो टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। इसका मतलब डेफिनेटली इट इज SP3, SP3 मतलब टेट्राहेड्रल होगा, हाँ। तो टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप मुझे था इसका शेप में लोन पेयर तो गिनना ही नहीं है, तो शेप जो बोला जाएगा तब क्या बोलेंगे इसको, पिरामिडल या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है, पिरामिडल बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ H2O की, तो ऑक्सीजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो वापस हाइब्रिडाइजेशन पूरा कवर हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर 2, और लोन पेयर भी कितने हो जाएंगे, 2। सो टोटल आ रहा है 4, 4 आते ही बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑक्सीजन सेंटर में, ये लोन पेयर नंबर 1, ये लोन पेयर नंबर 2, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बेंड बोल सकते हैं, एंगुलर बोल सकते हैं, या फिर इसको वी शेप्ड भी बोल सकते हैं, इज इट क्लियर, ठीक है, वी शेप। CLF3 की बात करें तो क्लोरीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्लियर है। तो टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मतलब पक्का ये क्या है, SP3D इस तरीके से है। बट हमको पता है कि TBP में बच्चों लोन पेयर हमेशा कहाँ आता है, बोलो, लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल, अकॉर्डिंग टू विच रूल, बेंड्स रूल। तो ये लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, और यहाँ पे एक फ्लोरीन, तो ये कौन से शेप में कन्वर्ट हो गया बच्चों, टी शेप में, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इट इज विच शेप, टी शेप, ठीक है। अब ये दोनों आप लोग वीडियो पॉज करके इन दोनों को सॉल्व करिए, ओके स्टूडेंट, सो आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। SF4 की अगर हम बात करें तो सल्फर के पास टोटल खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 4, लोन पेयर कितना बचेगा, 1, टोटल 5 हो गया। तो वापस से सेम ऐसे एक TBP स्ट्रक्चर आना चाहिए। सल्फर हो गया, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, वो इक्विटोरियल पे जाएगा, और बाकी 4 फ्लोरीन इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था इसका नाम है सीसॉ, और मैंने बोला था इसको याद ही रखना, आगे बहुत काम आने वाला है सीसॉ। सल्फर की बात करें, वापस 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर कितने, 6, और लोन पेयर कितना, 0, सो टोटल हो गया 6 6, मतलब SP3D2, तो SP3D2 मतलब स्क्वायर बाई पिरामिडल, और 6 की 6 जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा, तो ये तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हो गया,
ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसे बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम में हर साल का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे अभी हम लोग और थोड़े एग्जांपल लेते हैं, CO3 2- ले लेते हैं, NO3- ले लेते हैं, SO4- 2 लेते हैं, ठीक है, PO4 3- ले लेते हैं, उसके बाद में IF7 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके इनके शेप्स डिसाइड करो, हो गया। चलिए देखते हैं फिर, कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 4, बट 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए माइनस की वजह से, तो 6 हो गए। बताइए बॉन्ड पेयर कितने, गिनेंगे 3 बट टिक करेंगे 6, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए डबल टिक होता है। लोन पेयर बच गया 0, तो टोटल sp2 हो गया। sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, तो यहाँ पे इस तरीके से बराबर है, यहाँ पे जितने जितना माइनस है उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होंगे, बस याद रखना है। जितने क्या बोला मैंने सुना, जितने जितना माइनस है उतने ऑक्सीजन क्या होंगे बेटा, सिंगल बॉन्डेड होंगे, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी बताया था, तो मुझे था इसका शेप क्या है बच्चों, ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका शेप है बच्चों ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, NO3- की, तो नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन खुद के और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, 6, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 3, लोन पेयर हो जाएगा 0, क्लियर है। तो वापस सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, बराबर है, बराबर। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमको पता है इस तरीके का होता है, इस तरीके का बनाया था हम लोगों ने। हाँ, अगर आप लोग इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस और इसके ऊपर माइनस, तो टोटल माइनस कितना हो गया, -2 और 1 प्लस, तो वोटर न्यूट्रलाइज हो गया, कितना हो गया, -1 ही बचा ना, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा नहीं सिखाना चाहते, ऐसे नहीं दिखाना चाहते, कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एरो वाला बॉन्ड बना देना, वापस से इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। चलिए नेक्स्ट, सल्फर के पास टोटल खुद के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, बताइए इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 4, और लोन पेयर हो जाएगा 0, टोटल आ रहा है 4, तो कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस सिंगल बॉन्डेड होगा और 2 डबल बॉन्डेड हो जाएंगे, तो दिस इज व्हाट, टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि सर ये मॉलिक्यूल में तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसका शेप परफेक्ट कैसे हुआ। तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे कंपाउंड्स में बेसिकली क्या होता है, रेजोनेंस होता है इस तरीके से, तो ये मॉलिक्यूल परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो आप ऐसा मत बोलना सर इधर डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा इधर कम, तो टेट्राहेड्रल शेप नहीं बनेगा, नहीं, टेट्राहेड्रल शेप बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रेजोनेंस से कैसे स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बनता है, मैं आपको आगे इसके तुरंत बाद समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर मैं बात करूं PO4 3- की, तो फॉस्फोरस के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 8 हो गए, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बेटा 4, और लोन पेयर हो जाएगा 0, सो टोटल हो गया 4 हो गया, तो PO4 3- में 1 डबल बॉन्ड हो जाएगा और बाकी 3 क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अभी देखने जाए तो बेटा यहाँ पे ये अलग दिख रहा है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऐसे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो सकता है, इसको क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। IF7 की बात करें तो आयोडीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने, 7, लोन पेयर 0, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 7 हो गया, 7 हो गया मतलब sp3d3, तो sp3d3 मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सो आयोडीन यहाँ पे क्लोरीन 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 इस तरीके से क्लोरीन, और यहाँ पे ऊपर भी क्लोरीन और नीचे भी, इसका नाम क्या जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शेप्स हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, आप इसका फोटो लो, फिर और भी बहुत सारे शेप्स डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स, प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ फॉलोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल इज आयोडीन Cl2- I3- ICl2+, ये सब आपको सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है, स्टार्ट करिए।
जस्ट अ सेकेंड। ओके TCL 5, TCL 3, ठीक है आप लोग वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करिए। लगभग मैंने वाई तक एग्जांपल्स दिया, मतलब लगभग कितने हो गए बच्चों, 25 एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, हो गया। चलिए डिस्कस करें, आयोडीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे, 7 इलेक्ट्रॉन और एक मिला के 8 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे, तो ये एक ये दो। लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, 3, तो टोटल हो गया 5। पांच हो गया, पांच हो गया मतलब sp3d, sp3d में क्या होता है, आयोडीन सेंटर में होगा, तीन लोन पेयर है, 1 2 3, ये 4 और ये 5। बट हमको पता है कि TBB में लोन पेयर कहाँ आता है, यस वेरी गुड, ऐसे आएगा तीनों लोन पेयर। तो तीनों अगर लोन पेयर इस तरीके से आएगा तो ऊपर क्लोरीन और नीचे भी इस तरीके से क्लोरीन आएगा। तो आप बताइए इसका शेप क्या है बच्चों, ये हो जाएगा लीनियर शेप। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द शेप, नॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो फिर हाइब्रिडाइजेशन से जो होगा वही होगा। I3 माइनस की बात करें तो आयोडीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 8 हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर, तो एक आयोडीन तो गया, तो बचे दो ही बचे ना, यहाँ पे दो ही बचे, तो दो बचे तो बेटा बॉन्ड पेयर दो और लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, तीन लोन पेयर हो जाएगा। तो वापस से इसी तरीके का हो जाएगा, खाली इस क्लोरीन क्लोरीन की जगह पे कौन आ जाएगा बच्चों, आयोडीन आयोडीन आ जाएगा, बस खत्म। और सबको पता है टीवी पे में लोन पेयर कहाँ आएंगे, हमेशा इक्विटोरियल पे आएंगे। तो ये भी किस तरीके का शेप बना रहा है, लीनियर। ठीक है ICl2+ की बात करें तो आयोडीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है, बट प्लस होने की वजह से 6। तो बॉन्ड पेयर कितने गिने जाएंगे, 2, एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं बच्चों, 2, सो टोटल कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे टोटल आ गया 4, तो 4 आते हैं बेटा हम लोग क्या आपस में क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आयोडीन, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, बट लोन पेयर तो गिनना नहीं है शेप में, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, वी शेप या फिर एंगुलर या फिर बेंड, जो लिखना है लिख सकते हो आप, ऑप्शन में देखना बस, या फिर एंगुलर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। CH3+, कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट प्लस होने की वजह से 1 गया, सो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, लोन पेयर कुछ भी नहीं, तो ये तो sp2 हो जाएगा। सो ये कार्बन ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा, प्लेनर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, इस कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। सो दिस कार्बन एटम विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर। तो कार्बोकैटायंस आर ट्रायंगुलर प्लेनर, आज के बाद याद रखना, कार्बोकैटायंस आर ट्रायंगुलर प्लेनर। CH3 माइनस की बात करें तो खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा आ गया, 5, बॉन्ड पेयर हो गए 3, तो टिक करेंगे 3, 1 2 3, लोन पेयर हो जाएंगे बेटा कितना, 1, तो टोटल हो गया 4। तो 4 होते हैं बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, 3 तो बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और एक लोन पेयर आ गया, टोटल 4 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पिरामिडल शेप हो जाएगा, सो इसका शेप और NH3 का शेप क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। SO2 की बात करें तो सल्फर के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बनाएंगे बच्चों, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2, लोन पेयर हो जाएगा 2, मतलब 4 टिक करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, लोन पेयर 1 बचा, तो टोटल हो गया 3, 3 मतलब sp2। तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे बेटा लोन पेयर को गिनेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर या फिर वी शेप या फिर बेंट भी बोल सकते। This is very, very important. Very, very important. दोनों
ज़ेनॉन खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 8। बच्चों मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग ने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा, बहुत आसान लगेगा ये सब और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आपका। तो ये 1, ये 2, लोन पेयर कितने बच गए, 3 लोन पेयर बच गए कि नहीं बच गए, कितने लोन पेयर बच गए, 3 लोन पेयर। तो आप यहाँ बताओ इसका शेप टोटल 5 हो जाएगा, 3 लोन पेयर है बच्चों। तो यहाँ पे ज़ेनॉन ये लोन पेयर नंबर 1 sp3d है, लोन पेयर नंबर 2 sp3d में, ये इस तरीके का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर है। तो आप बताइए इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, इसका शेप हो जाएगा लीनियर। देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये भी क्या था, लीनियर। तो एग्जाम में कैसा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम शेप्स, 1, 2, 3, इन तीनों का लीनियर शेप आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज़ेनॉन टेट्राक्लोराइड की, 8 इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के पास है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के पास है तो बॉन्ड पेयर कितने, 4, और लोन पेयर कितने, 1, 2, 3, 4, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, टोटल कितना हो गया, 6। तो ज़ेनॉन हो जाएगा सेंटर में, 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल है, बट हमने आज ही पढ़ा था कि इसमें लोन पेयर एग्जैक्टली ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्लेनार, या फिर इसको स्क्वायर प्लेनार भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनार। ये देखो ये भी प्लेनार है, ये भी प्लेनार है, तो आपको ये ट्रायंगुलर प्लेनार स्क्वायर प्लेनार वो नहीं देखना है, आपको वर्ड देखना है खाली प्लेनार, ठीक है ना। तो प्लेनार तो ये भी है और ये भी है, तो ये देखो HCl4 एंड CH3+ दे हैव सेम शेप, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको एंट्रेंस एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम शेप, ठीक है। PCl5 की बात करें तो फॉस्फोरस के पास टोटल खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 5, बॉन्ड पेयर भी 5 ही है, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 0। तो फॉस्फोरस सेंटर में, ये क्लोरीन 1, 2, 3, ये 4 और ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा TBP, टेट्रा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl3 की बात करें तो फॉस्फोरस के पास खुद के 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे कितने, 3, 1, 2, 3, लोन पेयर हो जाएगा बेटा 1, एक लोन पेयर हुआ, मतलब टोटल कितना आ रहा है, 4, 4 मतलब sp3 मतलब टेट्राहेड्रल आना चाहिए, बट एक लोन पेयर की वजह से बेटा इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। तो ये देखो ये भी पिरामिडल हो गया। तो अभी यहाँ पे इतना सॉल्व करते करते हमको पिरामिडल बेटा, ये एक तो ये पिरामिडल मिला और ये भी पिरामिडल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू, व्हिच ऑफ द टू हैव सेम शेप, इसका और इसका शेप भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट PCl4 की बात करें माइनस की, 6 इलेक्ट्रॉन, क्यों, 5 तो खुद के थे, 1 माइनस आ गया, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 4, और लोन पेयर 1, 2, 3, 4, लोन पेयर कितना बचा, 1 बचा, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर 5 हो गया बच्चों टोटल, तो कहने से ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर कौन से पोजीशन पे जाएगा, इक्विटोरियल पे, यहाँ पे एक क्लोरीन इस तरीके से, ये एक क्लोरीन इस तरीके से हो गया, तो ये हो जाएगा सीसॉ। तो कहना चाहिए SF4 का और इसका सेम शेप हो गया कि नहीं हो गया, सी सो। नेक्स्ट NH4+ की बात करें तो नाइट्रोजन के पास, मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ने ये सब सॉल्व कर लिया होगा, बट आप लोग आप देख लीजिए कि आपके आंसर्स राइट है या नहीं। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1 भी बचा नहीं, 0, तो ये तो बेटा टोटल 4 आ रहा है, 4 आ रहे बताए हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, है ना, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है। ClO4- क्लोरीन के पास टोटल खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 7 और 1, 8 हो गया बेटा टोटल माइनस की वजह से, तो बॉन्ड पेयर कितने बेटा, 4, टिक करेंगे 8, टोटल इज 0, तो कैन वी से दैट ClO4- इस तरीके से हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक सिंगल बॉन्ड है और बाकी सब डबल बॉन्ड है, तो क्या इसका स्ट्रक्चर रेगुलर होगा, यस होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, रेजोनेंस। सर ये रेजोनेंस ने तो नाक में दम करके रख दिया, क्या है ये रेजोनेंस, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ी आज के लेक्चर में, ठीक है। OF2 की बात करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, बॉन्ड पेयर कितने बच्चों, 2, लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे 2, तो टोटल कितने हो गया, 4, 4 मतलब sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर आ गए इस तरीके से, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, तो ये कौन सा शेप हो जाएगा, एंगुलर शेप, ठीक है, ठीक है। अभी ये बेटा गलती मत करना ऐसा कोई बनाने की, सर ऐसा तो सबसे कम रिपल्शन हो जाएगा, ऐसा रिपल्शन हो ही नहीं सकता बेटा, क्यों, क्योंकि ये प्लेनार स्ट्रक्चर है नहीं, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, क्या होता है सर आप ही बताओ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। तो आप कोई भी 2 लोन पे लोगे बेटा, कोई भी 2 लोन पेयर लोगे, ये और ये लोन पेयर, ये और ये दोनों क्यों लिया सर आपने, ये दोनों ले लो, आप ये दोनों भी लोगे बेटा सेम ही है,
तो ये देखो एंगुलर ही आने वाला है, तो ठीक है ना, एंगुलर ही आने वाला है। आप ऐसे भी देखोगे तो ये ऐसे है और एक बाहर है, बाहर की तरफ बॉन्ड है बेटा, ये क्या है, बाहर की तरफ बॉन्ड है। तो ये कैसे भी करोगे तो आपका क्या आएगा, एंगुलर शेप ही आने वाला है, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करिए। अगर हम बात करें इसकी, तो ज़ेनॉन के पास खुद के 8 इलेक्ट्रॉन थे, बट गिने जाएंगे सिर्फ 7 ही, क्यों, क्योंकि प्लस आ गया। बॉन्ड पेयर कितने बेटा, 5, तो 1 2 3 4 5, लोन पेयर हो जाएगा 1, टोटल हो गया 6, 6 मतलब sp3d, sp3d मतलब, ठीक है, 5 तो बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है ना, sp3d ना, sp3d मतलब 6 पोजीशंस है। अभी 6 में से बेटा एक जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर, और हमने पढ़ा था स्क्वायर बाइक्वाड्रेट में एक लोन पेयर होगा तो वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन टोटल कितने हैं 5 फ्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, बाई नहीं सिर्फ और सिर्फ पिरामिडल नाम आएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम लोगों ने लगभग 25 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आराम से सुनो, अभी नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 27 में, आई रिपीट, लेक्चर नंबर 27 में 2 वर्कशीट मिलेंगे आपको, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क, जिसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लास वर्क में 39 MCQ क्वेश्चन है, वो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा, और होमवर्क में बच्चों 72 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैंने बहुत ही मेहनत करके सिलेक्ट करके टाइप करवाया, वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, एंड आपका VSEPR थ्योरी भी पूरा का पूरा रिवाइज आएगा। मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप लोग बोला रहे इसका आंसर तो ये, ठीक है। बिकॉज जब भी मैं NOCP सिखाता हूँ, हर स्टूडेंट ये बोलते हैं सर अभी तो क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर आता है हमारा, तो इतना कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा। तो वेदर इट इज एन ऑफलाइन लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर, डजेंट मैटर, मेरा टीचिंग सेम रहेगा। ऑनलाइन में उल्टा थोड़ा और ज्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग PDF भी ऑनलाइन में लेक्चर में ही सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका पूरा का पूरा कौन सा, VSEPR थ्योरी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो मॉलिक्यूल के शेप्स थोड़े चेंज हो गए, अभी अभी अगर देखेंगे तो बॉन्ड एंगल भी चेंज आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर भी होता है, तो ये सब चीजें भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बॉन्ड एंगल है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें। एक बार आपको शेप मालूम पड़ गया मॉलिक्यूल का, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट और नए नए आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग को और डिटेल में आगे की चीजें पढ़ते जाना है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा किसका कम, डायपोल मोमेंट किसका कम किसका ज्यादा, बहुत सारी नई नई चीजें आएगी, बट दे आर ऑल आर इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स अभी एक छोटा सा पार्ट मैं कवर करता हूँ कि रेजोनेंस से स्ट्रक्चर सिमिलर कैसे दिखता है, तो आप इसका एक बार फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको इसमें भी डाउट नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि जो CO3 2- है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमको पता है इस तरीके का होता है। सेंटर में कौन होगा, कार्बन, ये हम लोग ने ड्रॉ किया था प्रीवियस बोर्ड पे, इस तरीके से इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस था, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस था, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, इस ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड था, राइट। तो अभी ये रेजोनेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा। इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे ड्रॉ कर दो, वैसे तो GOC में जो थर्ड चैप्टर है उसमें रेजोनेंस के ऊपर कम से कम 5-6 लेक्चर्स है मेरे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपने वो वाला पार्ट देख लिया तब तो आपको ये सब बहुत ईजी लगेगा, अगर आपने नहीं देखा है वो वाला पार्ट अभी तक, तो आगे जब आएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट आपको जहां इसमें जितनी जरूरत है मैं आपको समझाता हूँ, उतना हमको ऑर्गेनिक जितना डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, लोन पेयर अगर मैं ये शिफ्ट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है ना, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड मुझे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वहां पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे देखो O के ऊपर पहले से माइनस था ही, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट। तो स्टूडेंट इसका अगर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाए,
बैक कन्वर्ट हो सकता है इसमें इसमें, ये इंटर कन्वर्टिबल है। तो अगर इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O के ऊपर माइनस और यहाँ पे इस O के ऊपर भी माइनस। आप मुझे बताओ ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही दिख रहे हैं, यस और नो? तो स्टूडेंट्स इसमें सब के सब जो बॉन्ड्स है वो एक जैसे ही होंगे, बिकॉज ये वाले स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इसका दूसरा नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, बराबर है? इसी का नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इन सबका जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या होगा, सब में एक एक बॉन्ड तो दिख ही रहा है। हाँ सर, एक एक बॉन्ड तो दिख ही रहा है, बराबर है? अगर देखें तो यहाँ पे एक बॉन्ड था, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, तो देखो इसमें एक एक बॉन्ड तो सब में दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो सबकी जगह पे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, एंड मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस। ये कौन से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। सो डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट, डीलोकलाइजेशन ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस, इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। और यहाँ पे बेटा माइनस चार्ज इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, इक्वली डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे भी था, इधर भी था, इधर भी था, सब जगह पे इक्वली क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये पूरा का पूरा सबका चार्ज मिला के कितना है, माइनस टू का चार्ज है। कितने का चार्ज है, माइनस टू का चार्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये सबका मिक्सर है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मैंने क्या बोला, बॉन्ड ऑर्डर। से बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। सर समझाओ जरा, एग्जांपल देके समझ सकते हैं, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड है, सर एक ही बॉन्ड है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा वन। ए डबल बॉन्ड बी, ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड है, दो है, दो बॉन्ड है ना, एक दो, तो ये दोनों के दोनों कोवेलेंट है ना, एक सिग्मा एक पाई, दोनों है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा टू। आप बताए इसमें ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड है, तीन है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा तीन। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, आई रिपीट द स्टेटमेंट, अगर कंपाउंड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट नहीं। आप मुझे बोलोगे सर व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, मैं बोलूंगा दो, गलत है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, देखो ये डबल से अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, फिर वापस इधर भी सिंगल में है, तो आप दो बोलोगे कि वन टू बोलोगे या वन बोलोगे, यू आर नॉट श्योर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस। तो एक नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नोट लिख देते हैं, नोट, इफ कंपाउंड शोज क्या रेजोनेंस, देन बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिडिक्टेड और डायरेक्टली रिटर्न। आप डायरेक्टली उसको नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। वो बॉन्ड पहले डबल था, फिर सिंगल हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये डबल था, ये सिंगल हो गया, यहाँ पे वापस सिंगल हो गया, तो यू कैन नॉट से डायरेक्टली। तो सर फिर ऐसे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है, सो कंपाउंड्स शोइंग रेजोनेंस, कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, पता है, बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आरएस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है बच्चों, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसको मत गिनना, ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ CO3 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आप कोई भी दो एटम सिलेक्ट कर लो जिनके बीच में बॉन्ड है, अब ये मत सिलेक्ट करना इनके बीच में बॉन्ड तो है नहीं, आप कोई भी दो एटम सिलेक्ट कर लो जिसमें बॉन्ड है, ये देखो अभी यहाँ पे जो सिलेक्ट किया वही यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपकी मर्जी जो आपको सिलेक्ट करना है, कर लिया सर, ये दो एटम सिलेक्ट कर लिया, इधर भी वो सेम ही एटम सिलेक्ट करना है, कर लिया, फिर क्या करोगे, फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 and 3, ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इधर कितने बॉन्ड्स है, 2 है, सो विल राइट 2 प्लस इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, 1, 1 प्लस इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1, 2, 3, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, 3 है, सो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4/3, 4/3 को डिवाइड करोगे तो 1. समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है, सो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 4/3 टिक करना है एंट्रेंस एग्जाम में, ना 2 मत टिक करना ना ही 1 टिक करना, क्यों, क्योंकि वो 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, 2 और 1 के बीच में है, आप डिवाइड करोगे तो 1. समथिंग आएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द वे आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप बोलोगे सर मुझे तो ये दोनों आइटम्स नहीं लेने थे, मुझे तो ये दोनों आइटम्स लेने थे, तो आप ये दोनों अगर ले रहे हो तो इधर भी ये दोनों ही लोगे, इधर भी ये दोनों ही लोगे, तो यहाँ पे गिनो मेरे साथ, इधर एक बॉन्ड है, इधर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है और इधर 1, सो 2 और 1 एक टोटल मिला के 4 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3। तो स्टूडेंट्स सवाल उठता ही है कि इसमें आपको सबसे पहले कंपाउंड के अंदर अगर मैं आपको पूछ लूं कि बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो पहले आपको चेक करना है कि कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है तो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, और सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, पक्का, चलिए तो अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बी वाला एनओ थ्री माइनस, ठीक है, सी वाला एसओ फोर माइनस टू, डी वाला पीओ फोर थ्री माइनस, ई वाला सीएलओ फोर माइनस, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, सब में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर के बीच में, ठीक है। तो बच्चों एक और ले लेते हैं, CO2 का भी ले लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है, पहले इनके क्या बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे इस तरीके से, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालोगे, ठीक है ना। इसमें है ना सबसे बड़ी गड़बड़, वीडियो पॉज करने से पहले सुन लो, सबसे बड़ी गड़बड़ है कि अगर आपने एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनाया, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपने एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनाया तो ये वाले आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, तो आपका आंसर गलत आएगा, डेफिनेटली यू लूज योर मार्क्स। एंड दूसरी बात, अगर आप एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ रहे तो इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना बेटा टाइम के हिसाब से फिजिबल नहीं है। दूसरी बात, ये तो बेटा इसमें 3 ही थे, अगर आप SO4 माइनस 2 की देखोगे तो उसमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, PO4 माइनस 3 में भी बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो फिजिबल नहीं है बच्चों। तो जहां पे चीजें फिजिबल नहीं होती है बेटा, वहां पे लिए आपके लिए राम सर है और आरपी ट्रिक्स है। तो मैं आपको इसको बिना किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बना के सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में, सर आर यू किडिंग, नो आई एम नॉट किडिंग, 5 सेकेंड में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे without drawing the resonating structures. Yes, that is known as RP trick. अभी यही सम आप लोग ने इस तरीके से किया, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में कर सकता था बिना ये सब ड्रॉ किए। सर कैसे, जरा बताओ, आप मुझे बताओ, सिर्फ मुझे CO3 2 minus का स्ट्रक्चर पता है, यही स्ट्रक्चर है, हाँ सर। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, लिसन टू मी केयरफुली, सिंपल ट्रिक, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रिक सुनो, एकदम आसान है, जो भी सेंट्रल एटम है उसको कैंसिल कर दो। सर कर दिया, ठीक है, सेंट्रल एटम को क्या करने का, कैंसिल करना है। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनो, कितने बॉन्ड्स है गिनो, 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड ऊपर लिख दो, अपॉन सराउंडिंग में एटम्स कितने हैं,
एक दो तीन, ये देखो आपका भी आंसर 4/3, मेरा भी आंसर 4/3। सर आपने फिर इतना बड़ा क्यों सीखा है? तो स्टूडेंट्स नोट्स में एक बार तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना हमको, फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट जब भी किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये लॉन्ग कट मेथड डोंकी वर्क मत करना, आरपी ट्रिक यूज करना, काम बहुत आसान हो जाएगा। एक बार वापस बता दू, सुनो ध्यान से, मुझे मालूम है आपने हाई बोला हुआ है इसके लिए मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग वैसे ही बोलते हैं आराम से, बार 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 बोल बोल के हमको चीजें याद ही करा देते हैं, इसके लिए डाउट सॉल्विंग में कुछ पूछते ही नहीं आप लोग। अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को कैंसिल करना है, कर दिया। फिर बॉन्ड गिनो, एक दो तीन चार, चार गिन लिए तो फोर, और कितने एटम्स है, एक दो तीन, इसको मत गिना है तो कैंसिल हो गया ना। सराउंडिंग एटम कितने, एक दो तीन, चलो डिवाइड बाय थ्री, बस खत्म। यही था सिंपल का आपका क्या बॉन्ड ऑर्डर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इन सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे जिस ट्रिक से मैंने अभी आपको सिखाया। तो आप इसका फोटो लो, फिर वो ट्रिक से हम लोग इन सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं फटाफट से। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सॉल्व दीज एग्जांपल्स। NO3 माइनस में हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। यही था इसका स्ट्रक्चर, ये ऐसा इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनाएंगे। सिंपल है, सेंट्रल एटम को कैंसिल कर दिया, ठीक है? गिनो कितने बॉन्ड है, एक दो तीन चार, चार डिवाइड बाय सराउंडिंग एटम कितने, तीन, हो गया आरपी ट्रिक से सॉल्व, ठीक है? चलिए नेक्स्ट SO4 माइनस टू की बात करें, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस है बच्चों, तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने बैठूंगा तो बेटा कल्याण हो जाएगा मेरा। तो सराउंडिंग एटम को कैंसिल करेंगे, गिनो बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, इट इज 6/4, तो आंसर इज 3/2, बॉन्ड ऑर्डर इज 3/2। PO4 3 माइनस की बात करें तो तीन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा खाली, अगर ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वाला कंसेप्ट है ना सब जगह अप्लाई होता है, खाली इसमें अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इसका स्ट्रक्चर अलग से याद रखो, बाकी सब जगह पे ये देखो CLO4 माइनस है, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा, बाकी तीन ऑक्सीजन क्या होंगे, डबल बॉन्डेड वाले होंगे, ठीक है ना? अभी जैसे इसकी भी बात करें, MnO4 माइनस, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा, बाकी तीन ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा। CrO4 माइनस टू, तो क्रोमियम में बेटा वापस सेम, दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस इस तरीके से। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, खाली एक NO3 माइनस को अलग से याद रख लो अगर डाउट आता है तो। चलिए बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर, अभी वीडियो में पॉज करके इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करो बेटा। सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं बेटा, ट्रिक बता दे इतना आसान कि अभी इसमें कुछ डिफिकल्ट डाउट आएगा ही नहीं। चलिए बताइए, तो ये कैंसिल हो गया, एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच बॉन्ड, सराउंडिंग एटम चार, 5/4, ठीक है? यहाँ पे सराउंडिंग सेंट्रल एटम को कैंसिल किया, 6+1 7, 7/4 हो गया, एकदम इजी, 6+1 7/4। यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 7/4, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 6/4, 6/4 इज 3/2। तो स्टूडेंट जब भी कंपाउंड में क्या आ जाए, रेजोनेंस आ जाए, तब हमको इस मेथड से सॉल्व करना है। बट मैंने आपको रियलिटी बता दिया कि क्या है मेथड। एक्चुअल मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक कभी नहीं दूंगा, आई डोंट वांट अ टैग विद मी कि ये सिर्फ ट्रिक देता है, ऐसा नहीं है। मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और कंसेप्ट को समझाने के बाद मैं बताऊंगा ये ऐसा होता है और क्यों होता है, वो भी बता दिया। बट उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एंट्रेंस में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, एंट्रेंस में हमको खाली एक ही चीज से मतलब है, राइट आंसर से। वो कैसे आया कैसे नहीं आया उसका कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ राइट आंसर चाहिए विद इन वेरी वेरी लेस टाइम। तो स्टूडेंट्स वहां पे आपको आर्बिट्रिक्स बहुत मदद करेंगे, ऐसे बहुत सारे आर्बिट्रिक्स आगे भी आएंगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 26 में हम लोग ने VSEPR थ्योरी का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है, बहुत सारे लगभग 25 से 26 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया क्लास में, और नेक्स्ट लेक्चर में 39 MCQs में से बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस के ही है, 39 MCQs मैं क्लास में सॉल्व करने वाला हूँ VSEPR थ्योरी के ऊपर, और 72 के क्वेश्चन लगभग आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। उतना प्रैक्टिस करने के बाद बेटा आपको कभी भी VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले
डाउट आ ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स वो 72 क्वेश्चंस और 39 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं थे कोई लाइन से मैंने उठा लिया, नहीं, उनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। हर लेक्चर को जब मैं प्लान करता हूँ मैं इस लेक्चर में इतना सिखाने वाला हूँ, तो उस हिसाब से ही पीडीएफ बनाए जाते हैं मेरे, तो उस हिसाब से मैं अगर बैठ के सिलेक्ट कर रहा हूँ तो समझ जाना कि आपको उसके अंदर क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे लेक्चर्स को रिवाइज करवाएंगे। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। We assure you that आपको 45 में से 40 questions, I'll repeat, 45 में से 40 questions नीट में confirm आने वाले हैं हमारे notes में से। और दूसरी बात अगर हम बात करें JEE की तो 25 में से minimum 15 question, ठीक है, minimum 15 questions हर साल आपको देखने को मिलेंगे। तो students minimum questions 15 है, उससे ज्यादा तो बहुत सारे आते हैं। और twisted question की बात करें तो 18 से 20 questions अपने notes में से ही हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर्स को आपको स्ट्रेट अवे अच्छे से फॉलो करना है, जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ आपको नोट्स में अच्छे से लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और टाइम अगर बचा तो हम लोग बॉन्ड एंगल्स है, बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, उनको कैसे कंपेयर किया जाता है VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल डिस्कशन अबाउट VSEPR थ्योरी एमसीक्यू क्वेश्चन। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।